शासन का विरोध किया। हालांकि एसडीएम मनोज उपाध्याय द्वारा बताया गया कि क्षेत्र के निवासियों ने शासन से दो दिन की मोहलत मांगी है, एक के बाद फैसले से हो पाएगा कि निर्माण हो गया क्षेत्र के लोगों को रास्ता दिया जाएगा। देखिए जो पीडब्ल्यूडी के और जो अधिकारी वगैरह आएंगे एसडीएम महोदय जी, जिस रोड को बंद करना चाह रहे हैं संजय नगर का, जो कि संजय नगर तकरीबन 40-50 वर्षों से बसा हुआ है, और अगर इस रोड को बंद कर देंगे तो संजय नगर की 20,000 की आबादी प्रभावित होगी, जो कि मैं समझता हूँ यहाँ पूरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, ज़्यादातर इसके अंदर दलित समाज के लोग रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, और इनका कहना यह है कि यहाँ हम आपको एक नीचे सिंगल रोड दे रहे हैं, लेकिन अगर वो सिंगल रोड हमें ये देने की बात करते जहाँ हमेशा कम्युनिटी झगड़े होते हैं, अगर कम्युनिटी झगड़े कभी होते हैं तो इसकी जिम्मेदार पूरी शासन प्रशासन होगी अगर ये अपनी बात को मनवाते हैं। एक्चुअली ये भोपाल विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन योजना के अंतर्गत ये लैंड आती है, और इस लैंड को का जो गेट ये रास्ता है, ये रास्ता भी उसी लैंड का पार्ट है, और इस रास्ते को बंद करना है, इस रास्ते के ऊपर भवन निर्माण होंगे, शासकीय भवन निर्माण होने हैं, और इसलिए इस रास्ते को बंद करना आवश्यक है योजना को आगे बढ़ाने के लिए। हम लोग इसी इरादे से आए थे, रास्ता बंद करने के इरादे से आए थे, परंतु लोग आ गए और उन्होंने विरोध किया। उनका ये कहना है कि उन्हें दो दिन का समय दिया जाए, दो दिन के बाद फिर वो सामने नहीं आएंगे, तो हम लोगों ने इसको संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोगों ने अपने कलेक्टर कमिश्नर महोदय सभी से बात करके, और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि इनको दो दिन का समय देते हैं।